चैनल पर दोस्तों आपका आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कुर्ती सलवार का मेजरमेंट किस टाइप से लेंगे। मेजरमेंट किस टाइप से लेते हैं कुर्ती सलवार का मेजरमेंट। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर रहेगा कि कुर्ती किस टाइप से, कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग रहेगी हमारा नेक्स्ट वीडियो। सो कुर्ती सलवार का मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट किस टाइप से लेते हैं। हम ये कुर्ती का मेजरमेंट सबसे पहले हम कंधी की मार्किंग करते हैं। कंधी की लेंथ लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम सबसे पहले कंधी की मार्किंग करते हैं। कंधी लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ पर हमारा कंधी का पोर्शन होता है। हम शोल्डर, इससे ये यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करते हैं। ये हमारा शोल्डर हो जाता है। ये हमारी कंधी की मार्किंग होती है यहाँ पर। नेक्स्ट होता है हमारा चेस्ट। ये हम पूरा राउंड शेप में लेते हैं इसी टाइप से। ये हमारा राउंड शेप में चेस्ट की मार्किंग होती है। ये चेस्ट की मार्किंग यहाँ पर होती है। ये हो गई हमारी छाती की मार्किंग। एंड नेक्स्ट होता है हमारा कमर का पोर्शन। ये यहाँ पर हमारी चेस्ट एंडिंग के यहाँ पर हमारी कमर का, ये हमारी रेस्ट हो गई, ये हमारी कमर। और ये होती है हमारी कुर्ती की मार्किंग में हम हिप की मार्किंग करते हैं। यहाँ होगी हमारी हिप की मार्किंग। वो कट में हम यहाँ पर कट लगाते हैं उसमें हम हिप की मार्किंग भी लेते हैं। यहाँ पर ये हो गई हमारी हिप की मार्किंग। सीट, ये हो गई हमारी सीट की मार्किंग। एंड उसके बाद होता है हमारा यहाँ, ये होता है हमारा आर्म होल। यहाँ पर से हम कंधी की मार्किंग करते हैं। ये हो गया हमारा आर्म होल। यहाँ से हम स्लीव्स मार्किंग करते हैं। यहाँ से हम हमारी स्लीव्स की लेंथ लेते हैं। ये हो गई हमारी स्लीव्स लेंथ। ये होती है हमारी स्लीव्स की लेंथ। एंड इसी टाइप से हमारी ये स्लीव्स की लेंथ होती है और ये हमारी होती है स्लीव्स की गोलाई। इसको बोलते हैं हम बॉटम। ये हमारी होती है गोलाई, आस्तीन की गोलाई होती है। एंड अगर आप लेंथ के अकॉर्डिंग रहती है हमारी गोलाई। ये अगर हमने फुल लेंथ लिए तो ये हमारी यहाँ पर गोलाई होगी इस टाइप से। ये हमारी होती है आस्तीन की गोलाई। आस्तीन की गोलाई। और यहाँ पर होता है हमारा, ये होता है हमारा फ्रंट पिच। यो इसको बोलते हैं हम आगे की चौड़ाई। ये हमारी होती है गले की चौड़ाई होती है, जो हम हमारे चेस्ट एंड हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग लेते हैं ताकि हमारे शोल्डर कंधी ना खसके। उस टाइप से हम ये हमारे गले की चौड़ाई लेते हैं। ये हम इस टाइप से लेते हैं ये। और ये हमारी आस्तीन की गोलाई हो जाती है। अब हम हमारी पैंट की मार्किंग करते हैं, हमारे सलवार की मार्किंग। सलवार की मार्किंग हम यहाँ से, ये होता है हमारा, और यहाँ से हम मार्किंग करते हैं। ये हमारी सलवार की मार्किंग होती है। ये होती है हमारी लेंथ, इसको बोलते हैं हम नी लेंथ। जितनी हमको लेंथ हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग ली जाती है हम लेंथ। इस टाइप से हम लेंथ लेते हैं। ये होती है हमारी कमर का पोर्शन होता है, हमारी हमारी सलवार की कमर का पोर्शन, जहाँ पर हम लेंथ इस टाइप से, जहाँ से हम मार्किंग करते हैं, जहाँ हमारी सलवार अटैच होती है उसकी जगह से हम मार्किंग करते हैं, तो यहाँ तक हमारी सलवार की लेंथ होती है। ये हमारे होता है क्रोच पॉइंट, इसको बोलते हैं हम क्रोच पॉइंट। इसमें हम 1 इंच का लूजिंग देते हैं। ये हमको अगर फिटिंग सलवार चाहिए उसमें +1 इंच होता है। एंड अगर हमारी सलवार लूजिंग में है तो हम उसमें +2 का पॉइंट लगाते हैं। उसमें हम +2 लूजिंग ऐड करेंगे।
एंड ये हमारी होती है लेंथ, यहाँ पर हमारी होती है नी लेंथ, ये नी लेंथ की गोलाई होती है, ये हमारी गोलाई है हमारी। अगर हम चूड़ीदार सलवार बनाते हैं तो ये उसमें गोलाई, नी लेंथ में गोलाई कितनी देनी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिटिंग देते हैं। एंड ये हमारी होती है बॉटम, ये हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक बॉटम होती है, ये हमारी हो जाती है बॉटम, या बोलते हैं इसको नीचे की गोलाई। इस टाइप से हमारी ये नीचे की गोलाई होती है, ये हमारी यहाँ पर हम नीचे की पूरे में हम गोलाई लेते हैं और इसमें हम प्लस वन लूजिंग पॉइंट रखते हैं क्योंकि हमारे पहनने में दिक्कत ना होती है, उसमें हम प्लस वन का लूजिंग पॉइंट देते हैं। हमारी कुर्ती के मेजरमेंट में हम लूजिंग पॉइंट नहीं देते हैं बॉटम में, बट हम सलवार में प्लस वन का लूजिंग पॉइंट रहते हैं। हमारी मान लीजिए मार्किंग हमारी 12 की है, हमारी बॉटम नीचे की गोलाई 12 की, तो हम उसमें प्लस वन करके हम 13 की मार्किंग करेंगे। इस टाइप से हम मार्किंग करते हैं। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा एंड समझ में आया होगा कि हम कुर्ती का मेज़रमेंट किस टाइप से करते हैं, कुर्ती की एंड सलवार की मेज़रमेंट किस टाइप से होती है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा इसी के पर रहेगा, हमारी कुर्ती की कटिंग किस टाइप से होती है, कुर्ती की कटिंग करेंगे हम, उसमें सेकेंड पार्ट में हमारी कुर्ती की कटिंग रहेगी। आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू गाइस।